हे गाइस, वेलकम टू डीजीमेडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डेडपूल से रिलेटेड एक अपडेट के बारे में। फिलहाल तो ये एक बैड न्यूज है जो कि आप सुनकर गुस्सा करोगे, काफी ज्यादा गुस्सा करोगे। मैं बात करने वाला हूँ ये ऑफिशियली अपडेट के बारे में जो कि रॉब ने दिया है। अब रॉब कॉमन है, रॉब एक अमेरिकन कॉमिक बुक राइटर है जिन्होंने डेडपूल के कैरेक्टर को डेवलपमेंट करने में काफी ज्यादा मदद करी, क्योंकि मार्वल स्टूडियो या फिर फॉक्स स्टूडियो जब भी काम करता है किसी सुपर हीरो मूवी को कैरेक्टर को लेके, तो वो उनके ओरिजिनल राइटर को बुलाता है या फिर उस कॉमिक बुक में उसने काम करने में मदद करी हो, जिससे कि कैरेक्टर और इम्प्रूव हो और देन मूवी ज्यादा से ज्यादा अच्छी बने। अब रॉब ने अभी हाल ही में मार्वल स्टूडियो उसके साथ बैठकर बात करी होगी, जब केविन फेगी से बात करी होगी और देन उनके बीच में जो भी हुआ, तो उन्होंने अभी हाल ही में इंटरव्यू में ये रिवील करा कि मार्वल स्टूडियो के पास और केविन फेगी के पास एक्समैन के जो कैरेक्टर हैं और देन डेडपूल की जो थर्ड मूवी है और एक्सफोर्स की जो मूवी है उससे रिलेटेड कोई प्लान नहीं है, जीरो है बिल्कुल। जी हाँ, यानी कि पास उनके पास फ्यूचर में कोई भी प्लान नहीं है। और देन ये जान के मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ, मुझे मार्वल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। पर फिलहाल मुझे पर्सनली लगता है कि मार्वल ने जो भी फैसला लिया होगा कुछ सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि एक्समैन के कैरेक्टर को इतनी जल्दी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐड करना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। तो रॉब जो कह रहे हैं वो भी बात एक सही है कि उन्होंने प्लान थोड़ा सोचना चाहिए फ्यूचर को से रिलेटिव कि एक्चुअल में करना क्या है, पर मार्वल ने भी कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया होगा। तो देखते हैं फ्यूचर में जो भी अपडेट आएगा डेडपूल 3 को लेकर, मैं आपको प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।